सामने है हर की पौड़ी। Hey, good morning everybody, क्या हाल है सभी के? Hopefully से बढ़िया होंगे। Welcome to my vlog channel। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, बाहर के नजारे आप देख पा रहे होंगे अपने कुछ यहाँ से था नीचे अपनी थार खड़ी है वो खड़ी। मैं हूँ अभी जीरकपुर में और यहीं से ही अभी अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले हमको थोड़ी बहुत चीजों की शॉपिंग करनी है। कुछ शॉपिंग हमने कल भी की थी, कुछ शॉपिंग हम आज भी करेंगे। एक यहाँ पे कैंपिंग स्टोर है नियर बाई, तो वहाँ चलेंगे और वहाँ चल के देखते हैं कि हमारी टाइप की चीजें क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, तो वहाँ चलते हैं। और जो सामान अपने को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, फिर हम आगे की जर्नी करेंगे। और केदारनाथ का मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये गुड न्यूज है। तो अभी निकलते हैं और हमें पहुंचना है 11 को केदारनाथ। Everybody, good morning and very good morning. अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ टू हरिद्वार, तो पहले कैंपिंग स्टोर पहुँचते हैं एंड वहाँ से एक दो चीजें लेनी है मेरे को जो नीडी आइटम है। सुबह सुबह निकलना था मेरे को जल्दी, लेकिन मेरे को जागा ही करीब 10 बजे एंड 10 बजे जागाने के बाद मैंने सबसे पहले किया केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन। पता नहीं कैसे कैसे गलियों से होते हुए रास्ता बना है। चंडीगढ़ में हमें एक स्टोर मिला है, ये जीरकपुर के आसपास है और यहाँ से मैंने एक ट्रैकिंग पोल लिया है, दो ये ऐसे बुटेन के गैस सिलेंडर कैन लिए हैं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि केदारनाथ तक मेरा ये काम हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं। आप लोग भी आगे जीरकपुर से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, जीरकपुर में चंडीगढ़ के पास पटियाला रोड। ओके, कैंपी डिंगल ये नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। और इनके पास ना सबसे बढ़िया बात है, आप रेंटल भी चीजें ले सकते हो यार। ये देखो सारे रेंट के ऑप्शन है, बाकी ये आप कोई भी चीज बाय कर सकते हो यहाँ से, शूज वगैरह सब चीजों के बहुत ऑप्शन है। ब्यूटेन गैस आ गई, एक फर्स्ट एड किट भी मैंने ऐड कर ली और एक ये अच्छा है, मतलब मेरे को चीज बढ़िया लगी। एक ट्रैकिंग पोल भी ले लिया, केदारनाथ वगैरह हमारे काम आएगा ये। यहाँ बगल से एक रिवर निकल रही है जो कि हमारी घग्गर नदी जो मेरे एरिया में जाती है वो सेम रिवर चंडीगढ़ से निकलती है। देखो आज का सफर शुरू करने से पहले हर हर महादेव बोल निकलते हैं आगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया है, प्याज परोठा और दही खाते हैं और फिर भागेंगे यहाँ से। यहाँ से हमने अभी किया है ब्रेकफास्ट, आया हूँ चंडीगढ़ रुका था। अभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ केदारनाथ। अच्छे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे एंड काफी देर से गाड़ी मतलब फॉलो कर रहे थे एंड मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा लगता है जैसे जैसे आपको प्यार करने वाले रोड पे आपको मिलते हैं तो अच्छी बात है। अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ पे। हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ओनली 151 किलोमीटर ही बचा है। तो आज का स्टे हरिद्वार न करते हुए हम ऋषिकेश ही कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा यमुनानगर, यमुनानगर के बाद में सहारनपुर, फिर ऐसे करके हरिद्वार आ जाएगा। बच्चे आ रहे हैं फोटो कराने के लिए। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, देखो रस्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से प्यार मिल रहा है। यहाँ से हरियाणा होगा अपना एंड और आगे शुरू होगा यूपी। नीचे जो आपको नदी दिख रही है ये है यमुना नदी। इतना खूबसूरत एंड ग्रीन ग्रीन एरिया है उत्तर प्रदेश में, हम थोड़ी देर में उत्तराखंड आ जाएगा। और ये अपनी थार देखो कितनी डस्टी हो रही है, ये देख सकते हो आप, फुल मिट्टी से भरी पड़ी है। इसकी भी कोई वॉशिंग कराते हैं कहीं रुक के, कहीं टेंट खोलना पड़ जाए तो टेंट की कंडीशन देखो कितनी गंदी हो रही है, हर जगह मिट्टी से भर चुकी है गाड़ी। गाड़ी की थोड़ी सी क्लीनिंग कराना जरूरी है, तो कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे हमें ना ऐसा कोई स्टेशन मिला ना जहाँ से बढ़िया गाड़ी वॉश करा सकते हैं, तो हम यार गाड़ी को वॉश कराएंगे। और कहीं टेंट खोलना पड़ जाए ना तो सबसे बड़ी मुसीबत यही हो जाती है कि टेंट कैसे खोलें, इतना गंदा कपड़े गंदे हो जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा हो भी गया कि मैं कपड़े बदल के चेंज करके जैसे ही टेंट वेंट खोलना या कुछ भी करने लगता हूँ इतने में मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। पतंजलि योगपीठ ऐसे दिख गया तो मैं सोचा चलो एक्सप्लोर कराते हैं इसको थोड़ा सा एंड यहाँ शायद एंट्री वेंट्री होगी। काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे शायद खाने पीने के, देख लेते हैं। मुझे तो खाने पीने के लिए पतंजलि में आया हूँ मैं। और बना हुआ भी अच्छा है और बड़ा डेवलप है एरिया, तो ये देखो शोरूम वोरूम भी बना रखे हैं इसमें, बड़े सारे ऑप्शन है। हमने एक चाय ली, एक पैटी ली है यहाँ से पतंजलि से, अंदर काफी सारी चीजें हैं, उधर भी चलेंगे लेकिन पहले खा पी लेते हैं। फूड खाया ठीक ठाक सा था, बड़ा अजीब सा था एंड ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, कपड़े वपड़े सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। मैं तो भाई पानी की बोतल का सेट लेना था, चार बार पूछ लिया मैं ये चाहिए चाहिए, कोई मिला ही नहीं मेरे को बताने वाला। टाइम हो रहा है 5:50 और हम पहुंच गए हरिद्वार। वो देखो सामने है हर की पौड़ी, इधर से जो दिखाई दे रही है। हरिद्वार में एक घाट हमें नजर आया रोड पे,
ज्यादा तो हम अंदर जा नहीं सकते, आते टाइम जाएंगे, तो वो घाट आपको दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। सर्वानंद घाट करके कुछ है, एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ नीचे जाके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश के लिए। दूर से चमक रहा था स्वामी सर्वानंद घाट। इस रोड पे सारे होटल, धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारे, बहुत सारी चीजें हैं। करा रहे हैं टैंक फुल। हाँ जी, देख लिया, कर दीजिए आप फुल। यहाँ से कितना दूर है ऋषिकेश? यहाँ से ऋषिकेश 15 किलोमीटर है। मैं भी लाइट्स देखता हुआ घूम रहा था, मैं कहीं यूएसबी लाइट मिल जाए तो यार, अपने जहाँ भी कैंपिंग करेंगे ना वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि दिवाली पास आ रही है, हमें भी लाइटिंग चाहिए अच्छे वाली। ये एक जगह है, कहां से लो भाई? अच्छा, बड़ा टफ है यार इधर तो। ऊपर से कुछ ऐसा नजारा है ऋषिकेश का, और अपनी थार वहाँ कहीं खड़ी है इस पेड़ के उस साइड में। ये अपना बंक है उसका, यहाँ बैग वैग रख दिए हैं। तो आज का काफ़ी अच्छा रहा, स्टे भी काफ़ी अच्छा, जगह बहुत बढ़िया है। कल मॉर्निंग निकलेंगे आगे केदारनाथ के लिए, तो अभी यहाँ का स्टे एंजॉय करते हैं। एंबियंस तो अच्छा है इधर का, और ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी कलरफुल हो रखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली भी है तो उसके लिए डेकोरेट हो रखी है, शानदार लग रही है।